नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिनट यूट्यूब चैनल में। एक और सवाल है, चीजें क्लियर कर दूं। इंट्राडे में एक ही स्टॉक को एक से ज्यादा बार सेल बाय करते हैं तो एक से ज्यादा बार सेल करने पर कितना चार्ज लगता है? मैं फिर से बता दूं, मान लो ITC है और ITC को आप सिंगल डे में 100 टाइम बाय और सेल करते हो, आपको 100 टाइम जो है जो भी ब्रोकरेज चार्ज गवर्नमेंट चार्ज है वही पे करना होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपने ITC बाय किया और सेल किया तो फर्स्ट ट्रेड का आपको अलग चार्ज लगने वाला है, और ITC आपने सेकंड टाइम बाय किया और सेल किया सेम डे तो आपको जो है अलग चार्ज लगने वाला है। नहीं, अगर वॉल्यूम सेम है तो फर्स्ट ट्रेड में जो चार्ज लगाया सेकंड ट्रेड में सेम चार्ज लगने वाला है। तो यहाँ पे कोई, मैं फिर से बोल दूं, आपको कोई सेग्रीगेशन नहीं कि फर्स्ट ट्रेड करोगे तो इतना परसेंट, सेकंड ट्रेड करोगे इतना परसेंट, थर्ड ट्रेड करोगे तो आपको इतना परसेंट। सिंपल है, आप जो भी ट्रेड करते हो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितने बार भी करो आप 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटे छोटे अमाउंट प्राइस पे आप बाई सेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पैसे हैं आपके अकाउंट में आप कुछ भी कर सकते हो। जो ब्रोकरेज चार्ज है आपको नाइट को, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा उस पर लिखा होगा वो देख लेना, ब्रोकरेज चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं। वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम सेम होने पे जो भी वॉल्यूम के हिसाब से चार्ज लगता है ब्रोकरेज चार्ज सेम लगने वाला है। ऐसा नहीं कोई फर्स्ट ट्रेड अलग लगेगा, सेकंड ट्रेड अलग लगेगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है, बता दिया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो को चलाओ, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंटिंग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊंगा, वहाँ पर पूछ लेना। सोशल मीडिया टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे देखिए ज्वाइन करते। दोस्तों धन्यवाद।